आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। जनपद बिजनौर में पतिवाद ससुरालियों की दरिंदगी। दो महीने की जच्चा को मारपीट कर घर से निकाला, मदद मांगने थाने पहुंची महिला। पुलिस पर कार्रवाई में झील का लगाया आरोप, दो माह का नवजात भी आरोपियों के पास। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गाँव शादीपुर निवासी पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी दो वर्ष पहले गांव नवादा चौहान निवासी उमेश कुमार पुत्र मेहर सिंह से की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज देने के बाद भी ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की बार बार डिमांड किए जाने और उत्पीड़न किए जाने के संबंध में पूर्व में भी कानून का सहारा लिया जा चुका है, जिसके बाद सर्वसम्मति से महिला उत्पीड़न सहकर भी ससुराल में रहने को मजबूर थी। लेकिन अब हद तो तब हो गई जब महिला की सास ससुर व पति ने महिला को पीहर छोड़ने को मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं पीड़ित महिला व उसकी माँ का क्या कुछ है कहना। नाम है? कहाँ के रहने वाले? थाने जो आए हैं, क्या मामला है सर? जिस टाइम मेरी लड़की का मुझे पता चला नहीं, फोन करा किसी का, मतलब रास्ते में आने जाने वाले से फोन करवाया। मैं वहाँ पर पहुँची, मेरी लड़की को वहाँ मार छेद कर रखी थी, फिर उसकी सास ने मुझे भी मारा, मेरी लड़की को मारा उसके पति ने बहुत। जब क्या कहे कर रोभा पिट्टी करी, मुझे पड़ोसियों ने सब दिन चिपिया था, उसको भगा दिया। जब मेरी नहीं सुनी, मेरे लड़की के लड़के को भी नहीं दिया, बहुत इंतजार करी मैंने। जब उस टाइम मैं थाने आई। क्या नाम है आपका? शिवानी सर। कहाँ के रहने वाले? शादीपुर। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी? निवादा चौहान। अच्छा, जो थाने आए हो आप तहरीर लेकर, क्या है मामला, किस वजह से आए हो? सर, दहेज पिता के ऊपर बहुत मारते हैं, आधी आधी रात को निकाल देते हैं घर में से, और कल भी मार पीट करके मुझे गावड़ी के बाग पर अकेला छोड़ के जा रहे थे। मैंने किल्ली मचाई तो अड़ोस पड़ोस के आदमियों ने मुझे बचाया, इसलिए फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया। पापा मेरे यहाँ है नहीं, भाई नहीं रहता घर पर, मेरी मम्मी को भी मारपीट बहुत करें वहाँ पर। पति का क्या नाम है? उमेश कुमार। और मेरा एक लड़का है 2 महीने का, उसको भी लेकर चले गए छीन झपट के मारपीट करके। महिला का यह भी आरोप है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गामड़ी के बाग पर महिला को लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया और तब तक मारा जब तक महिला बेसुध ना हो गई हो। गनीमत यह रही कि राहगीरों ने महिला को बचाया, जिसके बाद महिला अगले दिन महिला थाने पहुंची, तब जाकर किसी प्रकार से FIR दर्ज हुई। लेकिन 2 दिन पहले FIR दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप ही बताइए कि आखिर 1-2 महीने के बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना क्या सही है, आखिर उस बच्चे की क्या गलती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखिए DPP न्यूज से अंकित कुमार की एक खास रिपोर्ट। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए DPP न्यूज।